तवील इंतजार की घड़ियां खत्म। मैट्रिक का इम्तिहान देने वाले 2.25 लाख तलबा के नतज का ऐलान कुछ देर बाद। तलबा लाहौर बोर्ड की वेबसाइट पर 80029 पर रोल नंबर मैसेज करके ऑनलाइन जारी किए जाने वाले नतीजे से आगाही हासिल कर सकेंगे। कोरोना से मुतासर इम्तहान के नतज की मार्कशीट पर नंबरों की शरह की बजाय सिर्फ ग्रेड दर्ज होंगे। सेकेंड ईयर के नतज का ऐलान 22 सितम्बर बरूज मंगल शाम 5 बजे किया जाएगा। कोरोना से मुतासर इम्तहान में शरीक तलबा के हवाले से अहम नोटिफिकेशन जारी। 9वीं और 11वीं की तलबा अगली जमातों में प्रमोट। सेकेंड ईयर के तलबा को फर्स्ट ईयर के नंबरों की बुनियाद पर पास करार दिया जाएगा। फेल तलबा भी फर्स्ट ईयर की बुनियाद पर पास करार पाएंगे। आखिरी चांस के हामिल तलबा भी औसत नंबरों पर पास होंगे। फर्स्ट ईयर के 40% मजामीन में फेल तलबा को भी डिग्री जारी की जाएगी। स्पेशल इम्तहान के लिए 4 कैटेगरीज पर मुश्तमिल पॉलिसी भी जारी। तालीमी इदारों में कोरोना की तशखीस के लिए सैंपलिंग। कोरोना टेस्ट के नतायज में एफसी कॉलेज के तालिबे इल्म में भी वायरस की तस्दीक। पंजाब भर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में पहले ही 34 तलबा में वायरस की तशखीस की जा चुकी है। कोरोना में शिदत के बावजूद पंजाब हुकूमत का मिडिल क्लासेस के लिए जारी शेड्यूल पर इसरार। वजीर तालीम मुराद राज का क्लासेस के आगाज की तारीख में किसी मुमकिन तब्दीली से इनकार। कहा, सूरत हाल का बारीक बीनी से जायजा ले रहे हैं। केसेस की इतलात पर मुतासरा स्कूल बंद किए जा रहे हैं। तलबा और असातिज़ा की सेहत तरजीह है। दूसरी जानिब वालिदैन ने हुकूमत के शेड्यूल बरकरार रखने के फैसले को हठधर्मी करार दे दिया। कहा, कोरोना फिर से सर उठा रहा है, हुकूमत फैसले पर नजरसानी करे। के लिए स्कूल्स जो है वो ओपन नहीं होने चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो जब इतने टाइम के बाद अपने फ्रेंड्स को मिलेंगे डेफिनेटली वो एक दूसरे को टच करेंगे, हग करेंगे। हर फैसले में फ्लेक्सिबिलिटी जरूर होनी चाहिए और मिनिस्टर साहब को सोचना चाहिए कि अगर जिंदगी है तो पढ़ाई तो होती रहेगी। 11वीं क्लास के लिए सरकारी कॉलेजेस में दाखिलों के शेड्यूल का ऐलान। 21 सितम्बर से दाखिलों के लिए कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स को मुरासला। दाखिला फॉर्म जमा कराने के लिए ऑनलाइन सहूलियात भी मुयसर होगी। शहर की सड़कों पर दौड़ने वाली 60% पुरानी गाड़ियों का आलूदगी में 45% हिस्सा। कोई एक्शन ना लिया तो नवंबर में स्मोक के बड़े हमले का खदशा है। स्मोक कमीशन ने शहरी इदारों को खबरदार कर दिया। कमीशन का महकमा ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस को मुश्तरका कार्रवाई का हुक्म। बदतरीन मुतासरा 12 हॉटस्पॉट इलाकों की तफसीलात भी तलब। कमीशन की आलूदगी के खिलाफ सुस्त रो कार्रवाइयों पर मुख्तलिफ इदारों की सख्त सरजनिश। अब तक की कारकर्दगी रिपोर्ट और आलूदगी के खिलाफ जामे प्लान भी मांग लिया। बॉर्डर चार्जेस की वसूली इजाफी अदाब के साथ बल्दियाती इदारों के सपोर्ट करने की तैयारी। शहरियों पर 50 करोड़ का इजाफी बोझ। वसूली हदफ 1.5 से बढ़ाकर 2 अरब हो जाएगा। फी घर 200 रुपये इजाफी वसूले जाएंगे। महकमा हाउसिंग ने प्रपोजल मंजूरी के लिए पंजाब हुकूमत को अरसाल कर दिया। नशेबी इलाकों में निकासी आपके बेहतर निज़ाम का क्याम। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशी पानी जखीरा करने के लिए मजीद टैंकों के क्याम का फैसला। वासा हुकाम के इजलास में हाजी कैंप ड्रेन को रवां साल मुकम्मल करने, फरुखाबाद डिस्पोजल पर नस्ब 40 साल पुराने पंप्स तब्दील करने और शादरा सीवरेज सिस्टम अपग्रेड करने का भी फैसला। निकासी आप के लिए मुख्तलिफ इलाकों में नई सीवरेज लाइन की भी मंजूरी। सोलर एनर्जी का फरोख, बिजली के भारी बिलों से निजात का फार्मूला। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, पंजाब हुकूमत का शहरियों को सोलर एनर्जी पैनल आसान इकसात पर देने का फैसला। वज़ीर तवानाई पंजाब अख्तर मलिक का डोमेस्टिक सोलर सॉल्यूशन पॉलिसी मुतारिफ कराने का भी ऐलान। बोले, ऐसी कंपनीज की तलाश है जो शहरियों को एक साथ पर पैनल फराहम कर सकें। इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों की कारकर्दगी से मुतालिक अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंजूर अहमद मलिक की ज़ेर सदारत इजलास में जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी समेत ATC जजेस की शिरकत। अदालतों की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग। लाहौर की ATC कोर्ट्स में 11 मुकदमात समेत 80 ज़ेर इल्तवा मुकदमात की रिपोर्ट भी पेश। दूसरे सेशन में IG नाम गनी, एडिशनल होम सेक्रेटरी मोमिन अली आगा, सेक्रेटरी फाइनेंस मोहम्मद अब्दुल्ला सुंबल समेत सेक्रेटरी प्रोसिक्यूटर, प्रोसिक्यूटर जनरल, IG जेल खाना जात, DIG क्राइम और RPO समेत दीगर पुलिस अफसरान भी शरीक हुए। जस्टिस मंजूर मलिक की पुलिस समेत दीगर महकमों को कारकर्दगी बेहतर बनाने की हिदायत।
महकमे दाखिला के हुक्म पर इंसदाद दहशत गर्दी की मुतारद अदालतें खत्म। लाहौर की ATC 2 और 4 भी खत्म कर दी गई। गुजरांवाला, मुल्तान, रावलपिंडी की भी मुतद दहशतगर्दी अदालतें खत्म करने का हुक्म। नोटिफिकेशन जारी। सेक्रेटरी बल्दियात के दिसंबर में बल्दियाती इंतखाबात के नकाद पर तहफ़ुज़ात। सेक्रेटरी अहमद जावेद काजी इलेक्शन की तारीख से मुतालिक मौसर जवाब देने से कासिर। कहा इलेक्शन की तारीख इलेक्शन कमीशन ने ही देनी है। हल्का बंदियों की फहरिस्तें मौखर करने की इस्तदा की है। कोरोना के बाद परवाजों की बहाली। सऊदी अरब जाने वालों का रश। ट्रैवल एजेंट हजरात की चांदी। कौमी एयरलाइन के टिकट की कन्फर्मेशन पर $200 तक इजाफी वसूली। मुसाफिर भड़क उठे। PIA टाउन ऑफिस के बाहर मुसाफिरों का एहतजाज। पुलिस और सिक्योरिटी अमले से तल्ख कलामी। दफ्तर के दरवाजे बंद करके काम करने से रोक दिया। सूरत हाल पर CEO PIA का नोटिस। मुसाफिरों को टिकट की तौसीक के लिए $100 से ज़ायर अदा करने से मना कर दिया। एयरलाइन हुकाम का परवाजों पर दबाव कम करने के लिए मजीद 28 परवाजों की इजाज़त तलब। परवाजें आइंदा 10 रोज में चलाई जाएंगी। हाई प्रोफाइल ज्यादती केस। वजीर आला की अदम दिलचस्पी की नज़र। उस्मान बुज़ार ने एक हफ्ते से पेशरफ्त इजलास बुलाया, ना ही कोई ट्वीट जारी किया। वजीर आला की कम होती दिलचस्पी के सबब। मोस्ट वांटेड मुलजिम आबिद मलिक 11वें रोज भी गिरफ्तार ना किया जा सका। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए ऑफिशियल तस्वीर भी जारी। इतला देने वाले का नाम सीगे राज में रखने की यकीन दहानी के साथ 25 लाख रुपए के इनाम का भी ऐलान किया गया है। सानिया मोटरवे केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम आबिद के करीबी रिश्तेदारों से हालिया राबतों का इंकशाफ। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम के बहनोई का भाई गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान की तस्वीर सामने आने पर तहकीकात का दायरा कार वसी कर दिया गया। महकमा एक्साइज पुरकशिश नंबरों की ऑनलाइन नीलामी के मतलूबा नतज हासिल करने में नाकाम। 11 ऑनलाइन नीलामियों में सिर्फ 50,81,000 का रेवेन्यू जमा। सबसे महंगा एक नंबर 7,25,000 रुपए में फरोख्त हुआ, जबकि मोटरसाइकिल्स की ऑनलाइन नीलामी से 3,52,000 कलेक्ट हो सके। शाहखर्च ब्यूरोक्रेसी के नाज नखरे जुदा। चेयरमैन TND हामिद याकूब को दफ्तर पसंद ना आने पर कमेटी रूम चेयरमैन ऑफिस में तब्दील करने की हिदायत। नए ऑफिस की तजीन और आयश पर लाखों की लागत आएगी। राशिद लंगड़ियाल रिवर रावी अथॉरिटी के डायरेक्टर जनरल होंगे। सीनियर ब्यूरोक्रेट को वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर अहम अहदे पर तैनात किया जा रहा है। समरी मंजूरी के लिए वजीर आला को अरसाल। राशिद लंगड़ियाल रिवर रावी अथॉरिटी के इब्तदाई अमूर भी सर अंजाम दे चुके हैं। वजीर आजम ने मनसूबे की इब्तदाई तकरीब में हार्वर्ड से तालीम याफ्ता सरकारी अफसर को बाकायदा इंटरव्यू के बाद तैनाती के लिए क्लियर किया। लाहौर को कब्जा माफिया से साफ करने के लिए डेडलाइन मुकर्रर। पुलिस अफसरान को अपने अपने इलाकों से 31 अक्टूबर तक माफिया की सफाई और मुलव्वज़ इश्तहारों की गिरफ्तारी का टास्क। शहर में बढ़ते जराइम के खिलाफ मौसर इकमत अमली की तैयारी के लिए CCPO की ज़ेर सदारत अहम इजलास। स्मार्ट लाहौर पुलिस विजन 2021 भी पेश। CCPO उमर शेख का नए साल के आगाज पर लाहौर पुलिस को न्यूयॉर्क पुलिस के हम पल्ला बनाने का अज़्म। जाली कॉस्मेटिक्स इंसानी जल्द और सेहतयाबी के लिए इंतहाई मुजर। इस्तेमाल कनंदगान को बड़े नुकसान से बचाने के लिए जाली कॉस्मेटिक्स माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सख्त सजा, जुर्मानों और कानूनी कार्रवाई के लिए असेंबली से कानून भी मंजूर करवाया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकत। जहांगीर तरीन बैरून मुल्क होने के सबब मुश्तरका तहकीकती टीम के सामने पेश नहीं हुए। FIA को भिजवाए जवाब में कहा वक्त कम होने के सबब जवाब नहीं दे सकता, रिकॉर्ड पेश करने के लिए कुछ वक्त दरकार है। जुल्म रहे और इंसाफ भी हो ये मुमकिन नहीं। किसानों का इस्तेहसाल अब नहीं चलेगा। DG एंटी करप्शन गौहर नफीस की शुगर मिल्स माफिया के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। पंजाब भर से 44 शुगर मिल्स मालिकान को रिकॉर्ड समेत तलबी की ऑर्डर। हसीब वकास शुगर मिल्स ने FBR नोटिस चैलेंज कर दिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के कजन की शुगर मिल्स ने दरख्वास्त में मौके पर इख्तियार किया कि रेवेन्यू कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू का भेजा गया सेल्स टैक्स रिकवरी नोटिस आर्टिकल 10A के खिलाफ वर्जी है।
एहतसाब अदालत में करप्शन केस की समाअत पर इसरार सईद की पेशी, मुलजिम मजीद 13 रोजा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। LDA के साबिक चीफ इंजीनियर पर माली बेजाबतियों और इख्तियारात से तजावुज के इल्जाम में मुकदमा दर्ज है।